गोरा कुम्हार महाराष्ट्र के एक परम संत हुए हैं गोरा कुम्हार। कुम्हार थे, गोरा नाम इसलिए था क्योंकि बहुत गोरे थे, नाम था गोरा कुम्हार। घड़ा बनाते थे, बाजार में बेचते थे, पत्नी थी, एक बेटा भी था, अभी हुआ पिछले महीने, नाम रखा बिट्ठल। गोरा कुम्हार किसके उपासक थे, ये महाराष्ट्र की घटना है। जैसे हम लोग वृंदावन में बिहारी जी की सेवा पूजा करते हैं ना, ऐसे महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान की पूजा होती है। पंडरपुर में महाराष्ट्रियन लोग जो है अधिक विट्ठल भगवान की पूजा करते हैं। ये विट्ठल भगवान कौन है? जो भगवान बिहारी जी हैं वही भगवान विट्ठल हैं। एक रूप में वृंदावन में बैठे हैं, दूसरे रूप में पंडरपुर में बैठे हैं विट्ठल नाथ जी के रूप में। भगवान श्री कृष्ण ही विट्ठल नाथ हैं और भगवान श्री कृष्ण ही बिहारी जी, तो हम सभी के लिए बिहारी जी के रूप में सुलभ हैं, वहाँ वालों के लिए विट्ठल जी के रूप में सुलभ हैं। तो गोरा कुम्हार जो थे वो विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वहाँ पंडरपुर के पास ही उनका गांव था। चूंकि काम माटी का था, माटी को रौंदना, घड़ा बनाना, बाजार में बेचना, जो पैसे मिल जाए उससे पत्नी को बच्चों को खिलाना पिलाना खाना, और जो पैसा बच जाए उससे साधु सेवा कर देना। अच्छा, जो भगवान के भक्त होते हैं ना मैया, वो ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं रहते। यदि हम ज्यादा धन के पीछे भागने लग जाएंगे तो हमारा भजन छूट जाएगा, हमारी भक्ति छूट जाएगी, भगवान का चिंतन छूट जाएगा। हम ये नहीं कहते कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा खूब कमाना चाहिए, पर जितना पैसा आए उससे जितना आपको उपयोग में आए उतना तो आप उपयोग करो। आपके उपयोग से ज़्यादा पैसा बच रहा है तो उसका दोनों हाथ से उठा उठा के दान धर्म करने लग जाओ, ताकि वह पैसा सार्थक होता चला जाए, नहीं तो वही पैसा फिर आपकी बुद्धि बिगाड़ देगा। गोरा कुम्हार ऐसी थी, उन्हें जो मिल जाता उससे वो अपना परिवार का पेट भरते, उसके बाद भी बच जाता तो साधु संतों की सेवा में लगा दिया करते थे और जाप करते थे। गोरा कुम्हार माटी रौंदते जाएं और विट्ठल 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 विट्ठला पांडुरंग विट्ठला विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। ऐसा विट्ठलनाथ जी का वो नाम जपते थे, माटी रौंदते जाएं, घड़ा बनाते जाएं और विट्ठल 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 जपते जाएं। बेटे का नाम विट्ठल क्यों रखा? इसीलिए कि पुत्र के बहाने भी भगवान का नाम याद आएगा। विट्ठल 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 खूब नाम जपा। एक दिन क्या हुआ, बच्चा छोड़ा बड़ा हुआ, घुटनों के बल चलने लगा। एक दिन कुम्हार गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे, पत्नी बोली सुनो हम बच्चे को सुला रही हैं, ये वो सो रहा है, घर में पानी नहीं है, हम कुएं से पानी भर के आ रही हैं, आप जरा बच्चे को देखना। तो जहाँ वो माटी रौंद रहे थे आंगन में, वहाँ पर ही उस बच्चे को कुछ बिछाकर उसकी माँ ने सुला दिया और वो पानी लेने कुएं में चली गई। तभी बच्चे की नींद खुल गई और बच्चा जागा और वह छोटा सा विट्ठल घुटनों की बल अपने पिता को देखा। उस समय गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे, घड़ा की तैयारी चल रही थी, आंख बंद करके गोरा कुम्हार माटी भी रौंद रहे थे। अब देखो माटी रौंदने में 2 घंटा लगता है, तो 2 घंटा माटी रौंदने में 2 घंटा खराब हो जाएंगे, इसलिए 2 घंटा को सफल कैसे बनाया जाए, बोले आंख बंद कर लिया और विट्ठल 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 विट्ठल, वो जो 2 घंटा माटी रौंदने में जाएंगे वो भगवान से ध्यान लग जाएगा तो माटी भी रुंध जाएगी और भगवान का भजन भी हो जाएगा। तो गोरा कुम्हार ध्यान मग्न हो गए और विट्ठल नाथ जी का ध्यान करने लगे। विट्ठल नाथ जी की छवि सामने आ गई, ठाकुर जी कमर में हाथ रख के खड़े हैं, भगवान के सुंदर से चरणों का दर्शन हो रहा है, भगवान के सुंदर से नेत्रों का दर्शन हो रहा है। विट्ठल नाथ जी के ध्यान में गोरा कुम्हार डूब गए और बड़े भाव से विट्ठल 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 पुकारने लगे और माटी रौंद रहे।
उसी समय बच्चा जागा और वो बच्चा अपने पिता को देखता है, माँ तो थी नहीं, पिता को देखा, पिता की तरफ भागा और पिता के पास गया तो वहाँ छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलता था, पकड़ करके खड़ा हुआ पिताजी के पास जाने के लिए। वहाँ गड्ढा था, रौंदने के लिए गड्ढा होता है। वह बच्चा विट्ठल उस गड्ढे की तरफ बढ़ा, उसे पता, बच्चे को पता नहीं कि यहाँ गड्ढा है, बच्चे तो बच्चे चले गए और वह विट्ठल गड्ढे में गिर गया। माटी गीली थी, माटी में उसके पांव धस गए। दुर्भाग्य ये देखिए कि जहां विट्ठल गिरा, बच्चा गिरा, गोरा कुम्हार माटी को रौंदते रौंदते वहीं आ गए और गोरा कुम्हार का पांव बच्चे के सिर पे पड़ा तो बच्चे का सिर माटी के अंदर चला गया। फिर दूसरा पांव कमर में पड़ा तो कमर भी माटी के अंदर चली गई। कुल मिला के बच्चे को भी रौंद डाला गोरा कुम्हार ने, क्योंकि गोरा कुम्हार तो ध्यान मग्न थे, विट्ठल विट्ठल जप रहे थे, ध्यान भगवान का था, लेकिन खुद का बेटा पांव के तले रौंद दिया गया। उस माटी की घुटन में बच्चे ने चीख तो लगाई, चिल्लाया, रोया, लेकिन चूंकि ध्यान इतना पक्का था गोरा कुम्हार का कि बच्चे की चीख कानों तक पहुंच ही ना सकी। जब भगवान से संबंध हो जाता है ना भक्तों, जब भगवान के प्रेम के तार जुड़ जाते हैं तो संसार का कनेक्शन कट हो जाता है। संसार में क्या चल रहा है पता नहीं लगता। एक बार आपका ध्यान भगवान में लग जाए, एक बार चिंतन में ध्यान लग जाए, मन वहां लग जाए भगवान के श्री चरणों में, तो संसार से कनेक्शन कट हो जाता है। संसार में क्या हो रहा है पता नहीं चलता। अभी आपको भगवान से ना वो संपर्क संबंध जुड़ा नहीं है, इसलिए आपको सारी जानकारियां संसार की रहती हैं। इतने में उसकी माँ, विट्ठल की माँ आई पानी लेकर, देखा तो बच्चा बिस्तर पे नहीं, चिल्लाया, बेटा विट्ठल कहाँ हो बेटा विट्ठल। चारों तरफ अंदर गई, कमरे में देखा, बाहर देखा, आंगन में देखा, कहीं नजर नहीं आए। और गोरा कुम्हार तो विट्ठल विट्ठल जप रहे हैं। तभी ये विट्ठल की माँ दौड़ पड़ी उस गड्ढे की तरफ और जाकर देखा तो बच्चे का कपड़ा नजर आ रहा था। कूद गई, कूद कर हाथ डाला, उठाया, बच्चा निकला, पर निकला तब जब बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा तो चला गया था, दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी, मर चुका था। मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर माँ रोने लगी, बिलाप करने लगी, और जब जोर जोर से रोने लगी तो गोरा कुम्हार की समाधि खुल गई, जागे। अरे देवी क्या हुआ, क्यों रोती हो? कुछ बोल ना पाई, बच्चे को दिखा दिया। गोरा कुम्हार बोली, ये इसे क्या हुआ? क्या बताए कि क्या हुआ, आपने जान ले ली अपने बच्चे की। ऐसे कोई माटी रौंदता है अपने बच्चे को रौंद डाला? अरे भाग्यवान, मैं तो विट्ठल के चिंतन में था। उस दुखिया माँ ने कहा, ले ली तेरे विट्ठल ने, जान ले ली मेरे बच्चे की। गोरा कुम्हार ने मुंह में हाथ रख दिया, देख देवी ऐसा ना कहे, वो भगवान किसी की जान नहीं लेते, गलती मेरे से हुई है, पर तू रो मत। क्या करूं, मैं रोऊं नहीं तो क्या नाचने लग जाऊं? आपने अच्छा किया, इसका धन्यवाद दूं? मार डाला आपने मेरे बच्चे को। रोने लगी। गोरा कुम्हार ने मन में विचार किया, हे विट्ठल ये ठीक कह रही है, हे विट्ठल बच्चा को मरना था। यदि इसकी उम्र इतनी ही थी तो मैं आपसे ये नहीं कहता
कि आपने मेरे बच्चे को क्यों मार डाला। मैं शिकायत नहीं करता अपने विट्ठल से, हे विट्ठल मैं ये नहीं कहता कि आपने मेरे बच्चे को मार डाला। हे विट्ठल नाथ जी, बात यह है कि यदि ये बच्चा मर गया तो कलंक मेरे माथे आएगा कि एक बाप ने अपने बेटे को रौंद करके मार डाला। और हे विट्ठल नाथ जी, आप तो जानते हैं मैं गरीबी में जी सकता हूं, मैं बिना रोटी के जी सकता हूं, आप रोटी मत दीजिए मैं जी लूंगा, लेकिन माथे पे कलंक लेके मुझसे जिया नहीं जाएगा। यदि मारना ही है तो विट्ठल नाथ जी मुझे भी मार दो, क्योंकि अब मैं ये कलंक लेकर जी नहीं सकता कि मैं पुत्र का हत्यारा हूं, ये जमाना मुझे हत्यारा कह के बुलाएगा। हे विट्ठल नाथ जी, जो यदि मेरे अपराध हैं, मैं पापी हूं, तो दंड मुझे दो। यदि मारना था इसे बच्चे को तो इसकी मौत से ये मर जाता, मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि जन्म देना भी आपका काम है और मार देना भी आपका काम है। आप मार देते मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन इसकी हत्या का कलंक मेरे माथे पे लगा। विधाता, मैं इस कलंक के साथ जी तो नहीं सकता। और गोरा कुम्हार कहने लगा, हे विट्ठल नाथ जी, आपके भक्त को कलंक लग जाए, क्या ये आपको मंजूर है? तभी विट्ठल नाथ जी ने सोचा, देखो तो ये गोरा कुम्हार कितना भोला है, कितना सच्चा है, कितना सरल है। इसका बेटा मर गया पर ये बेटे के मरने पर रोता नहीं है। अरे किसी का ऐसे बेटा मर जाए तो लोग भगवान को गालियां देने लग जाएं, अरे किया भजन, क्या किया, मार डाला। लेकिन उस समय भी गोरा कुम्हार पॉजिटिव बातें कर रहे थे, भगवान से ये नहीं कह रहे थे कि तुमने हमारे बेटे को मार डाला। विधाता, यदि इसकी इतनी ही उम्र थी तो कोई बात नहीं, सबकी आयु निश्चित है, पर कलंक माथे पे लगा है मेरे, इसलिए। भगवान विट्ठल नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए, भक्त की उदारता देख करके, भक्त का प्रेम देख करके, भक्त का समर्पण देख करके आंखों में आंसू आ गए। और जब आंखों में आंसू आए भगवान की, तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि वह विट्ठल नाम का बच्चा वहां लेटा हुआ था, भगवान ने ऐसी कृपा की कि मरे हुए बच्चे के अंदर फिर परमात्मा ने प्राणों का संचार कर दिया और वह विट्ठल उठ करके बैठ गया। देखते देखते गोरा कुम्हार के, उसकी पत्नी के वह बच्चा उठकर बैठ गया। तुरंत गोरा कुम्हार ने भगवान का धन्यवाद दिया, विधाता आपने मुझे कलंक से बचा लिया। तब गोरा कुम्हार अपनी पत्नी को समझाते हैं, अरे भाग्यवान, बेटा आएगा और जाएगा, क्या बेटों के चक्कर में भगवान से हम झगड़ा करें? इस बेटे से ज्यादा कीमती भगवान है, इस बेटे से ज्यादा महत्व भगवान का है पगली, इसलिए बेटा मिल गया ठीक है, उसका प्रसाद समझ के बेटे को रखना, लेकिन बेटे का इतना मोल ना बढ़ा देना कि इस बेटे के मोल के सामने भगवान का मूल्य कम हो जाए। बेटों का भी मूल्य है, बहुत मूल्य होता है बेटों का, लेकिन परमात्मा का मूल्य तो सबसे अधिक है। इसलिए देख ये रहा तेरा विट्ठल, लेकिन भगवान को इस हाल में कभी गालियां ना देना, अपशब्द का प्रयोग ना करना, वो भगवान है, जितना उन्होंने दिया है। यदि 10 साल के लिए बेटा दिया, 10 साल में किसी का बेटा चला गया, 5 साल में किसी का बेटा चला गया, 50 साल में किसी का बेटा चला गया, आप कहते हैं महाराज हमारा जवान बेटा मर गया, अरे भाई
आपको ये तो दिख रहा है कि जवान बेटा आपको छोड़कर चला गया, आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपकी किस्मत में तो बेटा था ही नहीं, वो तो आपकी भक्ति के बल पर परमात्मा ने कृपा करके 10 साल की खुशियां फिर भी आपकी झोली में डाल दी कि चलो मेरा भक्त है 10 साल खुश रहे। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा बेटी धन दौलत इन सबसे ऊपर भगवान है। यदि सबसे ऊपर भगवान ना होते तो बताओ फिर मीराबाई बिना बेटे के इतनी खुश कैसे रह लेती। यदि बेटों में ही खुशियां हैं तो फिर मीराबाई के तो कोई बेटा नहीं था, स्वामी विवेकानंद जी के तो कोई बेटा नहीं था, रामकृष्ण परमहंस जी का तो कोई बेटा नहीं था, था, था? गोस्वामी तुलसीदास जी का तो कोई बेटा नहीं था, सूरदास जी का तो कोई बेटा नहीं था, था? फिर भगवान 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 है। सबका अपना अपना मूल्य होता है भक्तों, सबका अपना अपना महत्व है, पर भगवान का महत्व सबसे अधिक है। और हमारे रियल जीवन में भी ईश्वर का महत्व सबसे ऊपर ही होना चाहिए। ऐसे गोरा कुम्हार को भगवान विट्ठल जी ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। ऐसे भगवान जो गृहस्थ में रह करके विट्ठलनाथ जी की भक्ति करते हुए, गोरा कुम्हार गृहस्थी थे, पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे, पर पत्नी और पुत्र के साथ रह करके उन्होंने अपने भगवान को कभी भुलाया नहीं। बस मेरी माँ मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप भी गृहस्थ में रहना पर उस परमात्मा को कभी ना भुलाना। कभी ना भुलाओगे तो मैं वचन देता हूँ कि वह तुम्हारी भी रक्षा करेगा और तुम्हारे बच्चों की भी रक्षा करेगा, तुम्हारे परिवार की भी रक्षा करेगा। सबकी रक्षा वही करते हैं और सबके रक्षक वही है। केवल विश्वास बना के रखना पूर्ण रूप से कि भगवान मेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ये विश्वास नाम का जो शब्द है ना मेरी माँ, इसे मजबूत करने की जरूरत है। भगवान के प्रति बिल्कुल ऐसा विश्वास हो, अभी उस विश्वास की मैं कैसे, हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखाया। जब जमाने को विश्वास नहीं होता ना तो हनुमान जी को छाती फाड़ना पड़ता। देखो ये है राम जी बैठे हैं, हनुमान जी ने तो छाती फाड़ के दिखा दिया, पर विडंबना तो ये है कि मैं कैसे बताऊं, मैं तो छाती भी नहीं फाड़ सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान से छाती फाड़ विश्वास करना।